अस्सलाम वालेकुम, अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और कराची में तबाह होने वाले PIA के बदकिस्मत तैयारे के हवाले से लम्हा ब लम्हा नई खबरें, ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं। और अब ये बताया गया है कि बहुत से अफराद ऐसे हैं जो इस हादसे में ज़ख्मी हुए और बच गए। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक छोटा सा क्लिप कि किस तरह इस तैयारे के अंदर, जो कि टेक ऑफ से पहले वीडियो बनाई गई जिसमें दिखाया गया कि मुसाफिर सवार हैं, हिफाजती इंतजामात, हिफाजती तदाबीर, एहतियाती तदाबीर के साथ, और किस तरह फजाई मेज़बान जो हैं, जो कैबिन क्रू है, उन्होंने भी हिफाजती लिबास और मास्क पहने हुए हैं। एक अच्छी खबर ये है कि अब तक की जो इत्तला सामने आई हैं उनके मुताबिक तकरीबन 15 के करीब अफराद ऐसे हैं जो इस हादसे में बच गए। उनमें से कुछ शदीद जख्मी हैं और 2 अफराद ऐसे हैं जो कि मौजाना तौर पर बच गए। और आपको बैकग्राउंड में वीडियो नजर आ रही होगी कि इस पूरे जो वाकया हुआ, जो हादसा हुआ, उसमें किस तरह तैयारे की अंदर की जो फुटेज है वो सामने आई। जाहिर है ये किसी ऐसे शख्स ने बनाई होगी जो तैयारे के अंदर सवार हुआ और उसके बाद उसने ये क्लिप बनाया और अपने किसी दोस्त अहबाब या अजीज को ये क्लिप भेजा और अब ये क्लिप सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। दूसरी जानब आपने क्लिप में ये भी देखा होगा या देख रहे होंगे कि जो पंजाब बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जफर मसूद, ये उनकी वीडियो है कि किस तरह उनको मलबे से निकाला जा रहा है, लोग उनको मलबे से निकाल रहे हैं। उनके बारे में बताया गया कि उनके दाएं बाजू पर चोट आई है और वो बखरियत हैं। इसी तरह सियालकोट का एक नौजवान जुबैर, जिसका नाम बताया गया, वो भी इस हादसे में मौजाना तौर पर बच गए लेकिन उनकी टांगें इस हादसे में झुलस गईं। खबरें ये भी हैं कि अंसार नकवी और उनकी अहलिया भी इस वक्त शदीद जख्मी हैं और तश्वीशनाक हालत में हैं। अल्लाह करे कि उनकी मौत की जो खबर पहले आई थी वो गलत हो और जितने भी लोग इसमें जख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि जो लोग इसमें जाँ बहक हुए मैं तो उनको शहीद कहूँगा। आज जुम्मतुल विदा का दिन था, रोजे से थे और जाहिर है शहादत की भी किस्में हैं, मरतबे हैं, और यकीनन ये तमाम लोग जो रोजे से थे और आज जुम्मे की नमाज अदा करके लाहौर से कराची के लिए अपने अपने घरों में ईद मनाने के लिए रवाना हुए, यकीनी तौर पर ये भी शहीद हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जो लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द शिफा याब करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।